दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता की वजह से देरी हो रही है, लेकिन अब निकाय चुनाव में पेच फंस गया है, इसलिए चुनाव में देरी संभव है। अब शिक्षक अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार अब सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी, या इंतजार लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का है। विभिन्न शिक्षक संघों ने मांग रखी है कि सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। यह मांग इसलिए भी की जा रही है कि शिक्षकों की काफी कमी स्कूलों में है और इसका असर बच्चों की पढ़ाई के साथ ही कार्य करने वाले शिक्षकों पर भी पड़ रहा। अगली खबर, पीएफआई केस में बिहार में एनआईए की रेड। बिहार में पीएफआई केस को लेकर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर दबिश दी। सुबह 6 बजे टीम उसके घर पहुंची और दानिश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दानिश के घर टीम ने 4 घंटे तक छापेमारी की। फुलवारी शरीफ के मुनीर कॉलोनी सहित 2 जगहों पर एनआईए ने पीएफआई और गजवा हिंद से जुड़े संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने गजवा हिंद के आरोपी मरगूब दानिश के घर से कई कागजातों को जब्त किया। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। आरक्षण को लेकर लगाई गई है रोक। पटना हाईकोर्ट में 19 अक्टूबर को सुनवाई। बिहार में नगर निगम चुनाव ईबीसी आरक्षण को लेकर टाल दिया गया था। पटना हाईकोर्ट की दखल के बाद इस चुनाव को टालना पड़ा था। अब बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और 19 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। बिहार के नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर कोर्ट के गाइडलाइन को नहीं माना गया था। आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार दिया था। बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी थी, लेकिन सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर किया है और इसमें हो सकता है कि कुछ जरूरी सुधार करने के बाद हाईकोर्ट चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। अगली खबर, उड़ीसा में 50,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया और इसी की तर्ज पर बिहार में भी संविदा कर्मियों ने सेवा नियमित करने की मांग की है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ शिवहर के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद से उड़ीसा की तर्ज पर बिहार में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग की और श्री सिंह ने बताया कि बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी बरसों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य कर रहे और हम लोगों के सतत प्रयास से ही कोविड-19 मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में औसतन कमी आई है। साथ ही नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी सूचकांकों में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सरकार संविदा कर्मी के प्रति उदासीन है। बरसों से सभी संविदा कर्मी अपने वाजिब मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। कई बार राज्य स्तर पर व्यापक रूप से अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया है। सरकार के द्वारा संविदा कर्मी की मांग को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के द्वारा कई मांगों पर अपने स्तर से अनुशंसा के बावजूद भी आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है, जिसे कर्मियों में काफी रोष है। ये भी बताया गया कि वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, स्वास्थ्य बीमा सहित कई मांगों पर हम लोगों के द्वारा सरकार से गुहार लगाई जाती रही है। अगली खबर, जहानाबाद में हर पंचायत में सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसी का किया गया चयन। जिले में प्रत्येक पंचायत के वार्ड में जल्दी सोलर लाइट से दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा और इसको लेकर जिला पंचायती राज विभाग अब अमली जमा पहनाने में लग गया है, ताकि शहरों के गलियों की तरह गांव की गलियों को भी दूधिया रोशनी से जगमग किया जा सके और इसके लिए जिले के एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत जिले के सभी गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी और एजेंसी के चयन को लेकर जिला प्राधिकारी प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु श्री सवित्र सोलर प्राइवेट लिमिटेड कार्यकारी एजेंसी के रूप में चयन किया गया है। अगली खबर, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने सहित 6 प्रस्ताव लोजपा रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक में हुई। लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए और इसमें पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव और उनके आदमकद प्रतिमा को देश के सभी प्रदेशों में पार्टी के द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं पार्टी के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय रामविलास पासवान की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अगली खबर, सरकार ने अपने रिव्यू पिटीशन में ये बात कही है कि सरकार चुनाव में आरक्षण पर फिर से विचार करे। अब 19 को सुनवाई होनी है। नगर निकाय चुनाव में पटना हाईकोर्ट ने ईवीसी को आरक्षण दिए जाने को अवैध ठहराने को लेकर 4 अक्टूबर को जो फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है।
और इस पर चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उस पर राज्य सरकार पहले अमल कर चुकी है। एबीसी को आरक्षण देने के पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कदम उठाए जा चुके हैं। मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी को आरक्षण दिया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि इन मुद्दे को लेकर कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। अगली बार बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 6 नवंबर को सीतामढ़ी में होगा राज्य अधिवेशन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 48वां राज्य अधिवेशन आगामी 6 नवंबर को सीतामढ़ी में होगा और इसमें संघ के पदाधिकारी, राज्य पार्षद एवं शिक्षक भाग लेंगे, जहां महासचिव प्रतिवेदन पेश करेंगे एवं शिक्षकों की मांगों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्णय कुमार ने बताया कि अधिवेशन में पंचायती राज संस्थाओं में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय, 7वें वेतन का लाभ, राज्यकर्मी का दर्जा, वेतन विसंगतियों का स्थायी निदान एवं अन्य मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अभी पर दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव हुए हाजिर, बेल रद्द करने की अर्जी पर आया फैसला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। इस मामले की पिछली तारीख पर ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना याद दिलाया था। तब इनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने और वक्त मांगे जाने पर कोर्ट ने हाजिर होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी नामंजूर करते हुए तेजस्वी की जमानत को बरकरार रखी है। अगली खबर, दिल्ली में हाईकोर्ट में हाजिर हुए तेजस्वी यादव, कहा कि सीबीआई को अगर धमकाया है तो एफआईआर करें, जज की नसीहत, आप डिप्टी से हमें संभल कर बोले। आपको बता दें कि बिहार में आईआरसीटीसी घोटाले मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा कि हम आपकी जमानत रद्द नहीं कर रहे। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के बीच कुछ भी बोलें तो शब्दों के चयन पर ध्यान दें। सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें ऐसे बयान देने चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सीबीआई की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयान को पढ़ा और कहा कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकी दी ताकि जांच को प्रभावित किया सके। अगली खबर, बिहार के शिक्षा सेवकों के मानदेय में जल्द होगी बढ़ोतरी। बिहार राज्य शिक्षा सेवक संघ एवं तालमी मरकज की बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि महंगाई के इस दौर में शिक्षा सेवकों का मानदेय लगातार बढ़ने वाला है और मानदेय 11,000 रुपये होगा, जिससे घर परिवार चलाना काफी आसान हो जाएगा। बैठक के बाद बकाया मानदेय भुगतान समेत अपनी अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा प्राधिकारी को जनता दरबार में सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज को नियमित करते हुए संबंधित स्कूलों में समायोजन किए जाने, सेवा पुस्तिका जारी किए जाने, शिक्षा सेवकों को दूसरे स्कूलों में तबादले पर रोक लगाने, साल 2012-13 का लंबित बकाया मानदेय का भुगतान जल्द किए जाने, मृत शिक्षा सेवक तालमी मरकज शिक्षकों का अनुग्रह राशि का भुगतान करने एवं अनुकंपा का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इन सभी मांगों को स्थानीय विधायक ने विधानसभा में उठाने का भरोसा भी दिलाया है। अगली खबर, बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने के बाद राज्य के संविदा कर्मियों में काफी गुस्सा झलक रहा। राज्य के संविदा कर्मियों ने कहा कि लगातार सरकारी कर्मियों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन संविदा कर्मियों की सुविधा में तनिक भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी एवं वेतनमान लागू नहीं करने पर अब आर पार की लड़ाई होगी। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व में आंदोलन छिड़ेगा। केंद्रीय परियोजित लोक कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन के लिए अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मियों की सेवा स्थायी के कारण एवं वेतनमान देने सहित निरर्थक बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों को सेवा में पुनर्वापसी की मांग को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई खगड़िया ने अपनी मांगों से संबंधित गर्मजोशी के साथ नारे लगाए। समारोह में आए लोगों ने कहा कि बिहार के सभी दफ्तरों में कहीं 90 तो कहीं 100% मानदेय भोगी संविदा कर्मी सरकारी कार्य संभालते हैं।